कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने रामगढ़ में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जा रहे जहाज में 3 काले बक्से मिले हैं। अब इन काले बक्सों का राज क्या है, यह एक बड़ी पहेली है। साथ ही धीरज साहू, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं हजारीबाग से, उनकी जीत को सुनिश्चित करना एक बड़ा कदम होगा। हजारीबाग सीट पे कांटे की टक्कर होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ जयंत सिन्हा और अगर भुवनेश्वर मेहता से कांग्रेस प्रत्याशी नाजायज तरीके से धीरज साहब को प्रभावित करने का सामान अगर प्रधानमंत्री ले जाए संभावना है, तो इससे बड़ा देशद्रोही कौन होगा। तो मुद्दा यही है कि असली देश के प्रति कौन समर्पित है, ये चिंता की विषय वायुसेना के। दूसरा चिंता की विषय को फायदा होगा उस पर इनको आपत्ति है, बोलते कि पैसा कहां से आएगा। उनके मैनिफेस्टो में 125 करोड़ का योजना का जो इन्होंने जुमला जो है 125 लाख करोड़, राहुल गांधी का 3 लाख करोड़ इनको कट रहा है। ये अपने जो मैनिफेस्टो में 125 लाख करोड़ का जो है योजना का जो है चर्चा उन्होंने बोलते हैं 12। लेकिन हम अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को हमेशा जो है कभी हल्का नहीं लेते और हम उनको अपने दुश्मन नहीं मानते, लेकिन भाजपा हमको दुश्मन मानता है। भाजपा हमको दुश्मन माने छोड़ दीजिए, वो तो रामदयाल चौधरी को भी दुश्मन मानता है, वो तो रविंद्र पांडे को भी दुश्मन मानता है। सीट कितने जीते अरे भाई साहब, वो रविंद्र राय को भी दुश्मन मानता है, मैंने बता दिया ना 11-12। बढ़िया से कांग्रेस की संगठन हजारीबाग लोकसभा पूरी तरह से पब्लिक हमारे साथ है। अब पब्लिक को जो है बातें हमको पहुंचाने की आवश्यकता है, जैसे वो जो 6,000 हर गरीब व्यक्ति को जो है हर महीने 6,000 रुपए देने का जो योजना राहुल गांधी जी ने बनाया वो तो 72,000 साल का हो गया। अब रामगढ़ का कम से कम 40-45% 50% के आसपास लोग उस योजना से उनको फायदा होगा, क्योंकि पूरे झारखंड करीब 50% से ऊपर आबादी को योजना का फायदा होगा। तो गरीब आदमी तुरंत मध्यवर्ग हो जाएगा। अब हमने सुना भाजपा के एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि कपड़ा धोने वाला, टॉयलेट साफ करने वाला को आप आदत खराब कर रहे हो, गरीब लोग को जो भूमि किसान को खरीद आदत को खराब कर रहे हो।